तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस का मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर सीरियल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। वेल दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि अभीरा ने दादी साह को सही प्रूफ कर दिया है कि जो भी कांड हुआ उसमें दादी साह की कोई गलती नहीं है। ये कांड किसने किया है? वो किया है संजय बंसल ने। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अभीरा को सब ने क्या क्या ताने नहीं मारे। उसे चोर कहा गया, उसे घर से निकाला क्या गया, उसे ब्लडी फ्रॉड भी अरमान ने कहा। ये वर्ड भी अरमान ने अपनी पत्नी अभीरा के लिए यूज करा। यहाँ तक कि अरमान ने तो उसे अपने कमरे से ही निकाल दिया और उस पर ये इल्ज़ाम लगे कि जो डॉक्यूमेंट थे जिस पर ये साफ साफ लिखे हुए थे कि चाहे जो भी हो जाए वो ज़मीन को खाली करनी है, वो जो डॉक्यूमेंट थे वो पता नहीं कैसे ऑपोजिशन के जो लड़ रही थी वकील उनके पास पहुँच गई थी। और ये जो इल्ज़ाम था, क्योंकि अभीरा उस घर से है, तो ये इल्ज़ाम जो है साफ तौर पर अभीरा के ऊपर लगता है कि हाँ, अभीरा ने ऐसे 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 किया है। अब उसके बाद मीडिया आ जाती है कि क्या आपने ऐसा करा है, मतलब उसके बाद घर में भी तनाव का माहौल है और अरमान जो है अभीरा को बहुत कुछ बोलता है। इधर संजय बंसल जो है वो जो कावेरी पोद्दार है उनको बहुत चढ़ा देते हैं क्योंकि गलती उन्होंने करी है, तो अपने आप को छिपाने के लिए भाई चोर की दाढ़ी में तिनका वो तो करेगा ना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अभीरा जो है वो दादी साह को सही प्रूफ करती है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे कि जब से मतलब ये पता चला है कि अभीरा उस केस को लीड कर रही है, घर में थोड़ा तनाव का माहौल है। हर कोई जो है वो मतलब अभीरा को थोड़ा वो उस निगाह से देख रहा है कि अभीरा अपने फैमिली के खिलाफ क्यों जा रही है। लेकिन अभीरा जो है वो सच का साथ दे रही है। अरमान ने उसे ये भी कहा कि तुम्हें मोरल्स नहीं पता, मोरल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, तुमने वो सब करा है। उसके बाद इधर मतलब बहुत सारे ताने जो है उसे फैमिली वाला नहीं समझा गया। कावेरी पोद्दार ने तो यहाँ तक कह दिया कि फैमिली वाले लोग होते हैं वो हमेशा फैमिली का सपोर्ट करते हैं, ये क्या जाने कि इसके पास तो फैमिली ही नहीं है। मतलब बहुत इतने बड़े बड़े ताने अभीरा को मारे गए कि भाई उस ताने के सामने तो कोई भी बात छोटी पड़े। लेकिन फिर भी अभीरा जो है उसने हार नहीं माना और दादी साह को सही प्रूफ करा। यहाँ तक कि जब वो जाती है देव सर के पास, उसके जो बॉस है, वो कहती है मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लाऊंगी, ये मैं पहले कह देती हूँ। तो उनको नहीं पता था, फिर जब बाद में पता चला कि मिस्टर अरमान पुद्दार की वो वाइफ है, तो कहते हैं कि ठीक है, लॉयल्टी मेरी सबसे बड़ी ताकत है और तुम ये केस लड़ो, तुम टेंशन मत लो। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट थे वो ले जाकर चारू ने दिए थे, क्योंकि चारू उसके पहले भी घर से बहुत सारी चीज़ चुरा कर दे चुकी है। लेकिन जब बाद में जब सही साबित होती हैं अभीरा, जब दादी साह को बचा, दादी साह उसे गले लगाती हैं। जी हाँ,